स्वागत है आपका चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन डायरेक्टर आर कृष्णन और एस पंजू जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्होंने ज़्यादातर मूवीज़ तमिल और कन्नड़ लैंग्वेज में बनाई हैं। हिंदी मूवीज में इनकी बनने वाली सबसे पहली मूवी आई थी 1957 में, जिसका नाम था भाभी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे बलराज सानी, नंदा, श्यामा, पंडरीबाई, ओम प्रकाश, अनवर हुसैन और आगा। इस मूवी का बजट था 35 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 60 लाख की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ 15 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1959 में, जिसका नाम था बरखा। इसको डायरेक्ट किया था कृष्णन एंड पंडू जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे जगदीप, नंदा कर्नाटकी, शोभा खोडे, मुकरी और उल्हास। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1960 में, जिसका नाम था बिंदिया। इस मूवी में लीड कास्ट में थे बलराज सानी, पद्मिनी, आशा सचदेव, ललिता पवार, ओम प्रकाश और राजेंद्र नाथ। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1961 में, जिसका नाम था सुहाग सिंदूर। इस मूवी में लीड कास्ट में थे बलराज सानी, माला सिन्हा, शोभा खोटे, मनोज कुमार, कन्हैया लाल और जॉनी वॉकर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1962 में, जिसका नाम था शादी। इसको कृष्णा और पंजू जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, मनोज कुमार, सायरा बानो, इंद्राणी मुखर्जी, मनोरमा, बलराज सानी और ओम प्रकाश। इस मूवी का बजट था 32 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 45 लाख की कमाई की और दुनिया में 90 लाख की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1962 में, जिसका नाम था मनमौजी। इस मूवी में लीड कास्ट में थे किशोर कुमार, साधना शिवदासानी, अचला सचदेव, दुर्गा खोटे, ओम प्रकाश, अनवर हुसैन और प्राण। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1964 में आई थी मेरा क्या कसूर है। इसको कृष्णा और पंजू जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, नंदा कर्नाटकी, शशिकला, ओम प्रकाश, मोहन चोटी और राज मेहरा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1966 में, जिसका नाम था लाडला। इसको कृष्ण पंजू जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे बलराज सानी, पंडरीबाई, निरूपा राय, जगदीप मुकरी और सुधीर कुमार। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1968 में, जिसका नाम था दो कलियां। इसको कृष्ण पंजू जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे बिश्वजीत चटर्जी, माला सिन्हा, नीतू सिंह, निगार सुल्ताना, महमूद और ओम प्रकाश। इस मूवी का बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 2 करोड़ की और दुनिया में 4 करोड़ की कमाई की। कमाई के अनुसार इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1971 में, जिसका नाम था मैं सुंदर हूँ। इसको डायरेक्ट किया था कृष्णन और पंजू जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे बिश्वजीत चटर्जी, लीना चंदावरकर, जयश्री टी, अरुणा ईरानी, महमूद और मुकरी। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 82 लाख रुपए की और दुनिया में कमाई की 1 करोड़ 64 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1974 में, इसका नाम था शानदार। ये इनकी लास्ट मूवी थी। इस मूवी लीड कास्ट में थे संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, विनोद मेहरा और अरुणा ईरानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूवर्स, ये डायरेक्टर आर कृष्णा एस पंजू जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन में बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूवर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो watching.